गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 5 बज चुके हैं, आपकी जीरो लेवल की मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी से आ जाए सभी लोग, जुड़ गए ना। जो भी लोग जुड़ेंगे क्लास को तुरंत लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करना नहीं भूलिएगा बाद में, ठीक है। ऐसी हमारी विशेष रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। चलिए क्लास देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। देखिए, घनमूल का जो चिन्ह होता है भाई, वो ऐसे लगता है बिल्कुल वर्गमूल की तरह, ऐसे ही। बाकी इसमें 3 रहता है बस। अगर इस पे 3 लगा, इसका मतलब घनमूल निकालना है, ना लिखा रहे तब भी, ठीक है। अगर आपसे ऐसे कहीं पूछा गया, ऐसे ऐसे का मान होगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। अगर इस पे 3 लिखा है तो, अगर इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना है। याद रखिएगा, इस पे घात अगर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब वर्गमूल, जो कि 2 घात होती छिपी होती है। अगर 3 घात लगा है तो घनमूल। घनमूल में हमेशा इस पे घात लगी रहेगी, ठीक है। या तो घात लगी रहेगी या इधर लिखा रहेगा घनमूल, ठीक है। बात समझ रहे ना। तो घनमूल होता क्या है, ध्यान से देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे दाहिनी साइड में आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा ना भाई, 27 का एग्जाम्पल दिख रहा ना। 27 का फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड। 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27। और देखिए, 3 3 का पेयर बनता है घनमूल में। लेकिन होता क्या है, इधर देखिए ध्यान से। तो पहले ये भाई धा नहीं होता, घा होता है। घा, ये घड़ी वाला घा ना, ये होता है घनमूल। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ घन प्लस मूल। यानी अगर हमें कहा जाए यहां पर कि 27 का घनमूल निकालिए, हमें ये देखना है कि 27 किसका घन करने पर आता है। घन मतलब क्यूब, क्यूब मतलब 3 घात। यानी किस संख्या का 3 घात लगाएं तो 27 आता है। अगर 2 की 3 घात लगाएं तो ये 2 × 2 = 4 × 8 आता है ना। यानी कि 3 की जब 3 घात लगाते हैं तो 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27 आता है। बात समझ में आई। कहने का मतलब ये किसका घन करने पे 27 आया रहा होगा, 3 का। बस यही 3 क्या है, उत्तर हो गया। घन मूल मतलब घन किसका है, इसका करना है। और मूल किसका था, मतलब भाई 27 को अंडर रूट में जो ये लिखा गया है बना करके, इसमें मूल संख्या कौन थी, 3 थी ना, 3। क्योंकि 3 ही बेस तो है, तभी तो 27 आया था। मतलब समझ रहे ना। यानी कि मूल कौन है घन का, जो यानी 27 क्या है, एक घन है, एक घन संख्या है ना, लेकिन इसकी मूल संख्या कौन है, 3 है। बात समझ रहे ना। अगर हमने लिखा 64, तो 64 क्या है, एक घन संख्या है। किसका घन होगा ये 64, किसका घन है 64, तो घन होगा नहीं हमारे समझ से, क्यूब, वो स्क्वायर है ये 8 का ना। अगर मैं लिखूं 8, देखिए भाई क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो, 8 क्या है, घन संख्या है, किसका, 2 का। क्यों, 2 का घन लगाओ भाई, घन मतलब घात 3, तो 2 × 2 = 4 × 8। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए 8 का घनमूल क्या होगा, तो आपको यह देखना है कि 8 किसका घन है, तो 8 2 का घन है, इसका मतलब 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। बात समझ में आई ना। लेकिन इसका तरीका क्या होता है घनमूल निकालने का, ये सिंपल में जो आप इधर साइड में देख रहे हैं ना, यही तरीका होता है। बिल्कुल जीरो लेवल की मैथ है, तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से देखेंगे, कोई हाई फाई नहीं चलेंगे। अगर हमें 8 का घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल में पहले 8 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौक 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, ठीक है। 2 2 3 बार आ गया ना, तो इसको ऐसे लिख लो भाई ये, ओके। अब क्या करेंगे, ये घनमूल का चिन्ह होगा तो यह 3 होगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये भी 3, तो ये अब क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स, तो ये कितना जाएगा, 2 2 उत्तर होगा ना। बात समझ में आई। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूं, इधर देखिएगा कोई और भी नंबर, ये तो हो गया 2 और 3। जैसे हमने ले लिया, मान लेते हैं 343। भाई क्यों खरखरा रहे हो, 343, इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे हम 343 के इधर साइड में, तो ये देखिए 343 का गुणनखंड करेंगे, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 4 5 6, ये केवल 7 से कटेगी, तो 7 चौक 28
बचेगा कितना? 6, 7, 9, 63, ये 7 से कटेगा और ये 7। कहने का मतलब 7 7 आएगा और ये नीचे हम इसको लिखना चाहें तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7 आएगा, 3 3 का जोड़ा बनेगा और ये 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ये क्या हो गया, 343 का घनमूल हो गया, कितना हुआ 7। बात समझ में आई? वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल में तीन तीन का। वर्गमूल देख लीजिएगा बगल में अंतर समझने के लिए। अगर हम आपको वर्गमूल की बात बोले तो 64 का वर्गमूल क्या? वर्गमूल, पहले इसका गुणनखंड करो भाई। तो 2 से करेंगे तो 32, 2 से करेंगे 16 और फिर 2 से 8, 2 से करेंगे तो 4 और 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसमें दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ऐसे लिखेंगे। क्या है? 3 3 6 ना, 6 बार 2 है तो लिख लो भाई 6 बार। ये कितनी बार? 5 बार हुआ ना, इसको 6 बार करना है। थोड़ा सा और इधर बढ़ा देते हैं, ये देखिए 6 बार हो गया। दो दो का जोड़ा बनाइए, कितना पेयर बना? 3 ना, एक एक पेयर से एक दो बाहर आ जाता है, एक दो ये एक दो ये, 2 दूना 4 दूना कितना आया? 8। यानी 64 का वर्गमूल कितना आया? 8। क्यों? क्योंकि 64 जो है वो 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है 64। वर्ग मतलब जानते हैं, ये 8 की घात 2 लगा दूं इसी को वर्ग बोलते हैं। तो 8 की घात 2 मतलब क्या होगा? 64, 64। बात समझ में आई ना? ये 0 लेवल की मैथ की क्लास है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, यानी कि जहां से आप लोग वर्गमूल की शुरुआत करते हैं। अब कोई भी बड़ी सी बड़ी नंबर हो, छोटी से छोटी नंबर हो, आप इसे कर सकते हैं प्यार से, बिल्कुल, अगर आप एक बार सीख गए ना। और हाँ, जो अभी तक 24 क्लास चल चुकी ना, 23 क्लास, उनको जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल 0 लेवल से हर पार्ट आपको हम बताते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, अब आप लोग उसका आंसर देंगे तुरंत। ये क्वेश्चन नंबर है, मान लेते हैं 5, कुछ भी क्वेश्चन नंबर हो, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको दिया वर्गमूल 729, बहुत आसान है, का मान होगा। देखिए इसका क्या करना है, घन निकालना है कि वर्ग निकालना है? यहां 3 घात है ना, इसका मतलब घन निकालना है। जल्दी से बता दो भाई कितना आएगा, सभी लोग बता लेंगे इसमें, पक्का बता लेंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ना बता पाए। कितना आएगा? 729, 7 7 49 37, 343 होता है ना, दोनों कैसी नवी है, 729 होता बाबू। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 729 जो भी दिया गया इसका हम करेंगे गुणनखंड, यानी कि फैक्टर। तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, सीधा सीधा 9 से कटेगा, आप लोग ट्राई करते रहिएगा। तो 9 8 72, 9 1 9, फिर 9 से काटेंगे तो 9 9 81 और 9 1 9, इस तरह से 9 9 3 बार आया। यहां से आप क्या करेंगे, 3 जोड़ा बना लेंगे ना, 3 3 का पेयर, इसमें से एक बाहर आ जाएगा 9, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो गया, यही क्या हो गया, घन मूल हो गया। हो गया ना बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका मान आप लोग बताएंगे तुरंत, बताएंगे, देर नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 घात है, 1000 का मान होगा, कितना होगा भाई, कितना होगा, कितना आएगा? ऑप्शन आपके सामने, 9 11 10 12, कितना आएगा? सिंपल में है, इसका ऐसे गुणनखंड करना है प्यार से और कुछ भी नहीं करना। 2 से काटेंगे ना इसको, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1000 था ये 500 आया, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से और फिर 5 से, 2 2 का जोड़ा बनता है ना क्या? लेकिन करना हमें घनमूल निकालना बाबू, घनमूल, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, तो ये 3 2 का 1 जोड़ा बन गया और 3 5 का 1 जोड़ा बन गया। बात समझ में आई? इस जोड़े से 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से 1 5 बाहर आ गया और इन दोनों का मिलन हो गया और हो गया गुणा, तो कितना हो गया 10। इस तरह से 1000 का घनमूल कितना आया 10। सी वाला आंसर दोनों में सही था, समझ गए ना? ये था घनमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने देख लिया, 0 लेवल की मैथ की क्लास थी। यह क्लास आपको कैसी लगी, अपने विचारों को कमेंट करना नहीं भूलिएगा।
और इस क्लास को अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे, ये हमारी आपसे पूरी उम्मीद है, और इस उम्मीद को मत तोड़िएगा भाई, ठीक है ना। आप लोग हमारे फ्रेंड समान है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोगों को बुरा लगे तो माफ़ करिएगा। और हाँ, क्लास की सभी क्लास की नोटिफिकेशन और अपडेट पाते रहने के लिए ये नंबर नोट करें, और इस नंबर की व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करते रहा करें, 9793488448। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से मैथ आसान है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, इतना ही नहीं, इतने से नहीं काम बनने वाला, फेसबुक पर आप PBR स्टडी को लाइक करना नहीं भूलिएगा, फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिलेगी, अन अकेडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप PBR स्टडी की क्लासेज को अन अकेडमी पर भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप PBR स्टडी की लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई प्रकार की समस्या होती तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इधर साइड में दो नंबर और भी दिए गए हैं, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपके पास मैथ का कोई क्वेश्चन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप उसे PBRstudy@gmail.com पर भेज सकते हैं। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर आप क्लास की लिंक पाना चाहते हैं, क्लास जो चल रही है आपको पहले शेयर कर दिया जाए, तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें गूगल प्ले से, और इस नंबर को टेलीग्राम में ऐड कर लें, फिर क्लास शुरू होने के पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप PBR स्टडी को अपने मित्रों में शेयर करेंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।